सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अटेंडेंस लगाने के लिए लैब टैप योजना ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की गई है। इस योजना में शिक्षकों की अटेंडेंस लगाने के लिए सभी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट दिए गए हैं, जिससे शिक्षक फोटो खींचकर अपनी हाजिरी लगाएंगे। यह कार्य सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे तक करना होगा, जिसके कारण परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में दिनांक 10 जुलाई दिन बुधवार को समय 2:30 बजे जनपद आगरा के हजारों शिक्षक द्वारा राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ के बैनर तले बीएसए ऑफिस पचकुइया पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया और इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम शिक्षकों के ऊपर जो अविश्वास किया जा रहा है, हमसे जो ऑनलाइन अटेंडेंस मांगी जा रही है, इसकी शुरुआत जिला मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारियों, ऑफिसरों, कर्मचारियों, तहसीलों में बैठे हुए कर्मचारियों, ब्लॉक लेवल पे बैठे हुए कर्मचारियों, अधिकारियों से होनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ तक आवागमन का बहुत ही सुगम साधन है। हम जंगलों में भीड़ों में कार्य करते हैं, हमारे यहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, हमें वहाँ तक पहुँचने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस बात को कोई पूछने वाला नहीं है। हम बस एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही मांग चाहते हैं कि पहले वहाँ लागू करो और जो सुविधाएं उनको देते हो, जो छुट्टियां उनको देते हो, वो सुविधाएं और छुट्टियां हमें प्रदान करो। हमें ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांगे हैं कि शिक्षक को बगैर किसी सुविधाओं के आप ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दिवा सकते हो। हमारे शिक्षक को यहाँ से 125 किलोमीटर कम से कम दूर जाना होता है, तो ये किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं है। देखिए, रॉकेट तो है नहीं शिक्षक कि भाई एक साथ गया और छूटा और सीधा स्कूल में जाके टपक जाएगा। 15 मिनट का टाइम दिया गया है, आधा घंटा का सब लोगों को पागल बनाने के लिए टाइम बढ़ाया गया है। उसमें स्पष्ट है कि आधा घंटा जो टाइम दे रहे हैं उसमें आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आप लेट क्यों हुए। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा लेट होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरह से ये सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोगों की मांग है कि हमारे शिक्षकों को कम से कम 30 EL, 15 CL और 10 हाफ डे लीव मिलेंगी, तभी जाके हम इसके बारे में और जो है सोचेंगे कि हम लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है कि नहीं देनी है। देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम पूरे प्रदेश के अंदर तालाबंदी करेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग तालाबंदी करेंगे। और ये सरकार को मानना पड़ेगा, अगर सरकार को सत्ता में रहना है तो शिक्षकों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, इनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके पास DM है तो हमारे हाथ में भी EVM होती है। और आप अगर हम अगर उस EVM को अपने तरीके से अगर यूज करने लग गए तो आप समझ लीजिए कि सरकार भी बदलेगी और ये न्याय व्यवस्था भी बदलेगी। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।